सिद्धर पहुंचे कर्मचारी युवक युवती, लॉकडाउन की हुई समस्या उन्होंने बताई और इन लोगों ने कुछ दिन पहले राजस्थान से वीडियो जारी कर सीएम बघेल से मदद की गुहार लगाई थी। इन युवक युवतियों का कहना है कि ना तो राजस्थान सरकार ने इनके सुद लिए और ना ही छत्तीसगढ़ सरकार ने। राजन गांव के हितेश ने बताया है कि प्राइवेट गाड़ी कर वे सभी छत्तीसगढ़ आए हैं। मदद के लिए छत्तीसगढ़ शासन को आवेदन दिया गया था लेकिन गाड़ी नहीं भेजी गई। माकपा नेता संजय पराते ने बताया है कि लॉकडाउन में समस्या खड़ी हुई है, अभी भी 20 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ को सस्ते श्रम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग अपने प्राइवेट गाड़ी करके आए हैं, स्कॉर्पियो है। हम लोग ने छत्तीसगढ़ प्रशासन से मतलब आवेदन दिए थे कि हम लोग वहाँ छत्तीसगढ़ में फंसे हुए थे, इतनी इतनी दिन तक हम लोग आ जाए ऐसे करके। तो प्रशासन ने कोशिश तो किया था लेकिन प्रशासन ने गाड़ी नहीं भेजा, इसी कारण से हम लोग आ नहीं पाए। इसी कारण से अपना प्राइवेट गाड़ी करके आए। छत्तीसगढ़ अपने पैसे से आए, इधर आने के बाद प्रशासन अपने अंडर में ले रहे हैं। उतने दिन तक तो कुछ किया नहीं, अब आने के बाद अपने अंडर में लेके बोल रहे कि गाड़ी का व्यवस्था कराएंगे। अब सुबह से यहाँ हैं तो कुछ तो दिए नहीं, देखते शाम तक करके बोल रहे हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकारें जो बाहर फंसे हुए हैं लोग उनको वापस लाने के लिए वैसी दिलचस्पी दिखाने लगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि जो लोग भी बाहर फंसे हुए हैं, सरकार के पास उसकी जानकारी है या जो जानकारियां मिल रही है उसके आधार पर तुरंत जो है बाहर से लाने की, अपने घरों में लाने की। राजस्थान के अलवर में फंसे बच्ची और बच्चियां जो है वो वापस लौटे हैं छत्तीसगढ़। इनका कहना है कि ये अपने प्राइवेट साधन करके ये लौटे हुए हैं, इन्हें प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। ना तो राजस्थान सरकार ने इनकी सुध ली है और ना ही छत्तीसगढ़ सरकार ने। कुल 7 लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं कि इन्हें जो है किसी तरह की सुविधाएं जो है वो नहीं दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि भाजपा काल में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत इन्हें भेजा गया था और इन्हें कहा गया था कि आपको जो है न्यूनतम वेतन जो है वो दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी नजारा नजर नहीं आ रहा है। लॉकडाउन में इनकी सैलरी जो है वो भी काफी कम दी जा रही थी और कुछ महीनों से इनका जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी नहीं हो रही थी इनकी। इनके पास जो है खाने के लिए भी कुछ सुविधाएं थी वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो इस तरीके से ये जो छात्र थे वो परेशान थे और आज जो है वो छत्तीसगढ़ लौटे हैं। कैमरामैन रविंद्र नागरकर के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, जयपुर। बिना में कोरोना के बढ़ते